हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कम्युनिटी विशाल टॉक्स। तो आज के वीडियो में हम लोग शेर के बारे में बात करेंगे। ये अफ्रीकन लायन का बारे में बात करेंगे जो कि अफ्रीका में रहता है। एशियाटिक लायंस के बारे में कभी और हम लोग बात करेंगे। सो आज के वीडियो में हम लोग अफ्रीकन लायंस के बारे में बात करेंगे। सो पहले बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा होता है। फर्स्ट पार्ट इज बिहेवियर। सो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, सो इस वीडियो को मैंने किन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है बिहेवियर, इसके बाद ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद है इसका हंटिंग कैसा है, कंपटीशन क्या क्या है, एंड लास्टली लायन से हम लोग क्या लाइफ लेसन सीख सकते हैं। सो पहले बिहेवियर जो है इसका, ये मोस्ट ऑफ द टाइम सोते रहते हैं, एवरेज 18 आवर्स दिन में सोता है। उसके बाद कुछ वक्त वो अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स रहता है उनके साथ बिताता है, वो भी वो टाइम पे भी वो इनएक्टिव ही रहते हैं। तो नेक्स्ट जितना टाइम बचता है 4 आवर्स, तो उसमें वो एक्टिव रहते हैं, जिसमें वो वॉक करता है, हंट करता है और खाना खाता है। सो एवरेज उनका 18 आवर्स जो है स्लीपिंग टाइम रहता है। नेक्स्ट जो है ये ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब लायंस जो है कैट फैमिली का सबसे सोशल एनिमल है, जो कि एक फैमिली का साथ रहता है। सो उनका जो ग्रुप रहता है उसको कहा जाता है प्राइड। तो लायन ग्रुप को कहा जाता है प्राइड, जिसमें एवरेज में ऑन एन एवरेज 15 फीमेल लायन रहता है, लायनेस, एंड 4 मेल लायन रहता है और बाकी कब्ज रहता है, बच्चे रहते हैं। सो एक जो लायन है वो अपने जब 2 साल को पहुंच जाता है, 2 साल के बाद वो लोग अपना मेच्योरिटी को पहुंच जाता है, तब वो लोग हंट करना शुरू कर देते हैं। 2 साल में वो लोग एक्सपर्ट हंटर्स बन जाते हैं, एक्सपर्ट नहीं मतलब हंट करना शुरू कर देते हैं। सो ये मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल क्रिएचर्स रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ लायन जो है नोमेड रहते हैं, मतलब अकेला रहना पसंद करता है, या फिर दो जन का ग्रुप या फिर तीन जन का ग्रुप ऐसा रहना पसंद करता है। जैसे जो मेल लायंस रहते हैं वो जब 2 साल का उम्र पार कर लेते हैं, उनका फैमिली से उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनका फैमिली से ट्राइब से निकाल दिया जाता है कि तुम अपना फैमिली बनाओ, अपने को स्ट्रांग बनाओ, उसके लिए उनको घर से निकाल दिया जाता है। मेल लायंस को एट द एज ऑफ 2 और 3 ऐसा करके उन लोगों को निकाल दिया जाता है। सो तब उस टाइम में वो लोग नोमेज रहते हैं, मतलब अकेला रहता है या फिर 2 जन का ग्रुप में रहता है। और कभी कभी फीमेल लायंस जो है वो भी नोमेज रहते हैं, मतलब अकेला घूमते हैं। सो जो मेल लायंस है वो ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए फैमिली का प्रोटेक्शन का जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनका रहता है अदर प्रीडेटर्स से। और फीमेल्स भी कभी कभी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेल लायंस रहता है वो प्रोटेक्ट करते हैं अपना फैमिली को दूसरे प्रीडेटर्स से। अभी हंटिंग, लायंस क्या क्या हंट करते हैं, विल्डर बीस्ट क्या है, इंटरनेट में अगर आप सर्च करें मिल जाएगा, या फिर आप लोग अगर डिस्कवरी देखते हैं वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। जीब्रा, जिराफ, कभी कभी जिराफ को भी मारते हैं, वो ग्रुप में काम करना पड़ता है। स्मॉल एलिफेंट्स को या फिर राइनोसरस को, वाइल्ड बफेलोस, ये सब को हंट करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब मारपीट होता है वाइल्ड कैट्स के बीच या फिर जो भी कार्निवोरस एनिमल्स है, वो लियोपर्ड को भी मार देते हैं, क्योंकि सबसे पावरफुल लायन ही रहता है अफ्रीकन जो जंगल में। सो कभी कभी लियोपर्ड को भी मार देते हैं, चीटा को भी मार देते हैं और हाइना को भी मार देते हैं। सो उनको कंज्यूम मतलब उनको खाते नहीं है, कभी कभार उनको खाते नहीं है, सिर्फ एग्रेशन के लिए मार देते हैं, या फिर फ्यूचर के लिए, मतलब वो डेंजर हो सकता है इसलिए मार देते हैं। तो 2 साल के एज में वो लोग इफेक्टिव हंटर बन जाते हैं। जो मेल लायंस रहते हैं वो प्रीफर करते हैं सिंगल हंट करना, मतलब खुद ही हंट करना है, लेकिन जो फीमेल्स रहते हैं वो ग्रुप में हंटिंग पसंद करते हैं। मेल लायंस भी ग्रुप में हंट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो सोलो हंटिंग प्रीफर करते हैं। अभी खाने का बात है, एक एवरेज जो लायनेस, जो फीमेल लायन बड़ा हो जाता है, उनको एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 5 kg ऑफ मीट चाहिए, और वाइल जो मेल लायंस है उनको 7 kg का मीट चाहिए। और लायंस का इतना स्टेमिना नहीं रहता है, उनका स्ट्रेंथ जो है काफ़ी रहता है, स्टेमिना इतना नहीं रहता है, तो इसलिए उनका जो अटैक है उनको क्विक अटैक करना पड़ता है मारने के लिए। कंपटीशन जंगल में, अफ्रीकन जंगल में लायन का मेन कंपटीशन है हाइना।
हाइना काफ़ी उनका स्टेमिना ज़्यादा रहता है लायन के मुताबिक, जो हाइना का है स्टेमिना ज़्यादा रहता है लेकिन स्टैंड कम रहता है। ऐसे अगर सिंगल सिंगल लड़ाई हुआ तो लायन ही जीतेगा, लेकिन अगर हाइना का ग्रुप ज़्यादा रहा, अगर चार पांच हाइना और एक शेर रहा तो लायन हार जाएगा। सो अगर ग्रुप में हाइनास का ग्रुप और भी बड़ा रहता है शेर से, तो अफ्रीकन जंगल में जो जब फाइट होता है तो ज़्यादातर लायन जीतते हैं, लेकिन कभी कभार हाइना भी जो है शेर को मार देते हैं। और एक कॉम्पिटिशन है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल भी मेन कॉम्पिटिशन में आता है, और क्रोकोडाइल कभी कभी उनको मार भी देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम लायन ही जीतते हैं। अगर वाटर में फाइट हुआ तो क्रोकोडाइल का चांस ज़्यादा रहता है, और अगर लैंड में रहा तो लायन का चांस ज़्यादा रहता है। अभी रिप्रोडक्शन, लायंस प्रोड्यूस बाय द एज ऑफ टाइम देयर फॉर, जो फीमेल लायनेस रहते हैं वो 4 साल के एज से ही अपना जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। सो उनका जो कॉन्सीविंग, बच्चा कॉन्सीव करना और बच्चे को निकालना, उनका जो पीरियड रहता है जैसे इंसान का रहता है 9 महीना, वो लोग का रहता है 110 डेज, 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा, 110 डेज कॉन्सीविंग से लेके और जो रिप्रोड्यूस करते हैं उनका बर्थ करते हैं, सो वो टाइम 110 डेज रहते हैं। एक बार में एक लायनेस 1 से 4 बच्चा प्रोड्यूस करता है। सो ये कॉम्पिटिशन था उनका और रिप्रोडक्शन पार्ट था। लास्टली जो मैं बात करूँगा उनका लाइफ लेसन, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। सो पहला जो लाइफ लेसन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क। जो जब एक लायना एक बड़ा जिराफ को मार देता है तो काफ़ी टीम वर्क का ज़रूरत रहता है। सो टीम वर्क करके ही वो एक अच्छा फल उनको मिलता है, तो इसीलिए हम लोग को टीम वर्क भी सीखना चाहिए, उनसे हम ये सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लेसन है, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, जितने भी आप स्ट्रॉन्ग हैं वो मैटर नहीं करता है, आपको कोई ना कोई हरा सकता है। जैसे हाइनास ग्रुप करके लायन को भी मार दे सकते हैं, तो आप कितना भी स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना भी पावरफुल है, आप कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है या फिर कोई भी आपको ब्रेक कर सकता है, ये बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको अपना कॉम्फर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है। जैसे लायन को, मेल लायन को फैमिली से निकाल दिया जाता है बाय द एज ऑफ 2 और 3, जब उनको थोड़ा मैच्योर हो जाता है, उनको नया फैमिली प्रोड्यूस करने के लिए घर से निकाल दिया जाता है। वैसे आपको अपना कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अपने जो कंफर्टेबल लाइफ है उसको छोड़ के थोड़ा कुछ अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा और ज़्यादा चीज़ें सीखना पड़ेगा। एंड लास्ट लेसन जो हम लोग सीख सकते हैं वो है सोशल बींग रहना, मतलब आपको थोड़ा बहुत सोशल बनना पड़ेगा, सोशलिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करना पड़ेगा। जैसे लायंस का एक ग्रुप रहता है तो जब वो लोग मुसीबत में आता है, एक लायन दूसरे लायन का हेल्प करता है, अगर प्रीडेटर्स हमला करता है दूसरा उनका जो साथी रहता है हेल्प करता है। वैसे ही हम लोग भी अगर कभी मुश्किल में पड़ जाए तो हम लोग का फ्रेंड्स फैमिलीज लोग हम लोग को हेल्प करेंगे। सो दीज आर द लाइफ लेसन्स दैट वी हैव लर्न फ्रॉम लायंस। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, प्लीज़।